कल पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक ज्ञापन देने जा रहा है, जो पैरोल ग्रांट की गई है अमृतपाल सिंह की, उस अमृतपाल सिंह की जो एनएसए में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में चलाई, पंजाब पुलिस पर अटैक किया, थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, भारतीय तिरंगे को चुनौती दी, पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश की, उस अमृतपाल सिंह को पैरोल देना राष्ट्रभक्तों के साथ बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। कल हम 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन देंगे और मैं इसको लेकर लीगल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ी उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा डोर नोक करेंगे। कल पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक ज्ञापन देने जा रहा है, जो पैरोल ग्रांट की गई है अमृतपाल सिंह की, उस अमृतपाल सिंह की जो एनएसए में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में चलाई, पंजाब पुलिस पर अटैक किया, थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, भारतीय तिरंगे को चुनौती दी, पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश की, उस अमृतपाल सिंह को पैरोल देना राष्ट्रभक्तों के साथ बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। कल हम 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन देंगे और मैं इसको लेकर लीगल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ी उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा डोर नोक करेंगे। कल पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक ज्ञापन देने जा रहा है, जो पैरोल ग्रांट की गई है अमृतपाल सिंह की, उस अमृतपाल सिंह की जो एनएसए में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में चलाई, पंजाब पुलिस पर अटैक किया, थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, भारतीय तिरंगे को चुनौती दी, पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश की, उस अमृतपाल सिंह को पैरोल देना राष्ट्रभक्तों के साथ बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। कल हम 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन देंगे और मैं इसको लेकर लीगल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ी उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा डोर नोक करेंगे। कल पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक ज्ञापन देने जा रहा है, जो पैरोल ग्रांट की गई है अमृतपाल सिंह की, उस अमृतपाल सिंह की जो एनएसए में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में चलाई, पंजाब पुलिस पर अटैक किया, थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, भारतीय तिरंगे को चुनौती दी, पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश की, उस अमृतपाल सिंह को पैरोल देना राष्ट्रभक्तों के साथ बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। कल हम 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन देंगे और मैं इसको लेकर लीगल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ी उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा डोर नोक करेंगे। कल पंजाब के राज्यपाल को एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एक ज्ञापन देने जा रहा है, जो पैरोल ग्रांट की गई है अमृतपाल सिंह की, उस अमृतपाल सिंह की जो एनएसए में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में डिब्रूगढ़ जेल में बैठा है, जिसने खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में चलाई, पंजाब पुलिस पर अटैक किया, थाने पे अटैक किया, संविधान को चुनौती दी, भारतीय तिरंगे को चुनौती दी, पंजाब में फिर आतंकवाद फैलाने की साजिश की, उस अमृतपाल सिंह को पैरोल देना राष्ट्रभक्तों के साथ बड़ा अन्याय है, देश के साथ अन्याय है। कल हम 12 बजे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी को ज्ञापन देंगे और मैं इसको लेकर लीगल अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूं। अगर कल जरूरत पड़ी उसके बाद हम हाई कोर्ट का भी दरवाजा डोर नोक करेंगे।